सर प्लीज सर सर छोड़ दीजिए सर सर गलती क्या सर सर बोल रहे हो तुम लोग आरसी बुक नहीं है लाइसेंस नहीं है हेलमेट नहीं पहना है कैसे छोड़ दो तुम लोग को मजाक समझा है क्या सर प्लीज सर मैं क्या लगता है ऐसे ही छोड़ दूंगा तुम्हें सर गलती हो गई सर एक बार सुनिए एक बार छोड़ दीजिए सर सर ऐसा मत प्लीज सर सर पहली बार की बात गलती नहीं होगी सर सर वो क्या माल है सर हेलमेट कहाँ है नहीं है सर लाइसेंस कहाँ है नहीं है आरसी बुक तो है नहीं है सर अरे इंश्योरेंस तो होगा वो भी नहीं है सर वो भी नहीं है क्या सर क्या हुआ मैं जाऊं क्या जाओ देर हो रही है जल्दी सर हाँ बोलो ना उन्हें भी छोड़ दीजिए ना सर प्लीज मान जाओ ना सर अबे चल 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 भाई एक सिगरेट देना ये लो भाई आपकी फ्रेंड आपको कब से पुकार रही है लच्चू सॉरी थैंक यू वेलकम हे लच्चू शांति कैसी है तू मैं ठीक हूँ तू कैसी है ठीक हूँ वासु आपको मेरा नाम कैसे पता होंडा में आप मैनेजर है ना जी हाँ आपका पता प्लॉट नंबर 7 7th क्रॉस लिंक रोड बोरीवली राइट हाँ और मोबाइल नंबर 9003174184 और ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव कैसे पता आपका नाम लक्ष्मी ने बताया और आपकी कुंडली आपके पर्स से पता चली मेरा पर्स तो ये लो यहाँ नीचे पड़ा था ओह थैंक यू ओह हेलो एक्सक्यूज मी आपका फोन नंबर जल्दी है क्या एड्रेस इतनी भी क्या जल्दी हेलो रुकिए ना हेलो सुनिए तो सही शांति मेरे बारे में आपको इतना सब कुछ पता है तो क्या मैं आपके बारे में नहीं जान सकता मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत केयरलेस हो पर मुझे केयरलेस लोग बिल्कुल नहीं केयरफुल लोग पसंद है तुमसे तो जान के ही रहूंगा दैट इज ओनली ठीक है तुम्हारा एड्रेस फोन नंबर और तुम्हारा बायोडाटा जान के ही रहूंगा
ओह कितनी स्टाइल, सो ब्यूटीफुल। ओवर एक्टिंग कर रही है। तेरे पीछे मैं यहाँ तक आया हूँ, एड्रेस जाने बिना तो जाऊंगा ही नहीं। अरे मैं तो इसे सरप्राइज देने वाला था, इसने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। वासु? वासु? वासु नहीं है। वासु? यहाँ देखो। तुम यहाँ पर कैसे? कब से फॉलो कर रहे हो? नहीं तो? तो किसका वेट कर रहे हो? वो वो एक लड़की आने वाली है। सच बताओ तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? वो कहाँ है? वो लड़की यहीं पर है, उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। कौन है वो? वो लड़की बहुत सुंदर है। क्या नाम है उसका? मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ? ये अचानक कहाँ जा रही हो? 20 साल से मैं जिसके साथ थी उसके पास जा रही हूँ। 20 साल से? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। ओके ओके सर। इसको क्या प्रॉब्लम है? बड़े टेंशन में लग रहे हो। तुम्हें तो कोई परेशानी है नहीं क्योंकि तुम यहाँ नहीं रहते हो, मैं रहता हूँ। एक बार किसी ने नई कार परचेज की तो क्लाइंट का इंश्योरेंस क्लेम, कार का रजिस्ट्रेशन करवाना और टायरों में हवा भरवाना, यहाँ तक कि उसके ब्रेक भी चेक करना, ये किसी टेंशन से कम है क्या? टेंशन टेंशन टेंशन। यहाँ का मैनेजर होने के बावजूद मुझे टेंशन नहीं है। तुम तो यहाँ सिर्फ काम करते हो तो तुम्हें क्यों टेंशन है? सीन क्रिएट मत करो, जाओ जाके अपना काम करो। यहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मुझसे छोटा है वो। हमें पास क्या हो गया कि बस आगे निकल गया है। मैं एसएससी फेल चपरासी बन गया। एक्सक्यूज मी सर। यस। मे आई कम इन? कम इन। सर दिस इज माय रिज्यूम। 20 साल साथ रहे तो इसका मतलब ये बच्चा ही सीखा होगा। वासु ये लड़की तुझे नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी। हाँ एक्चुअली मैंने 1.5 ईयर से कोई काम नहीं किया। वो सब मुझे कैसे पता? मैं बता रही हूँ ना। ओ क्या हुआ? मत रो बेबी, क्या हुआ? मत रो ना वासु। हे वासु। क्या कहा? वासु कहा? हाँ कहा, इसका नाम भी वासु है। बड़ी चालाक है। All the best. आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर आ जाएगा। थैंक यू सर। अब तुम जा सकती हो। हे वासु। तुम बहुत लकी हो, मुझे नौकरी मिल गई। थैंक यू सो मच। अब मैं जाऊं सर। एक्सक्यूज मी सर। सर ये मेरा रिज्यूम है। ये बच्चा किसका है? ये मेरा बच्चा है सर। तो इसकी माँ भी आप ही हो? हाँ सर, इस बच्चे की माँ मैं हूँ। तो इस बच्चे का बाप आपका पति है क्या? हाँ सर, ये मेरा बेटा है। अच्छा ये बताइए सर, कहा ना ये मेरा बेटा है, इसका बाप मेरा पति है सर। सॉरी सॉरी, ठीक है। क्या सर, इंटरव्यू के लिए जो पूछ रहे हैं वो तो पूछ ही नहीं रहे, बाकी सब पूछ रहे हो आप। ये क्या है सर? वासु सर, ये बच्चा तो इन्हीं का है। ओह, ये मुझे इसे देके रेस्टरूम गई थी, इसीलिए मैं उसे ले आई थी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? मैं अपना बैग भूल गई थी सर। ले जाओ। मेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? एक मिनट रुकिए, तो उसमें जो नाम और नंबर था वो वो मेरे पापा का है।
पापा का। वासु, गुड बाय। मैं वासु बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो वासु। सर दुबई प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोफाइल भेजा था उसका क्या हुआ सर? दुबई जाने के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा। इमीडिएटली पैसों का इंतजाम करो। श्योर सर। चीयर्स। कमाल है यार, ये फैमिली बार बार मेरा पीछा कर रही है और घर के सारे लोग एक साथ हैं। ये हम शराब पी रहे हैं या फिर शराब हमें पी रही है? वो भी ठीक है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। क्या मेरा घर आ गया रे? अरे भाई जरा संभल के जाना। तू संभल के जा, तेरा घर आ गया। ओके बाय। हेलो वॉचमैन, क्या बात है, बैठे बैठे ड्यूटी कर रहे हो? क्यों पीछा कर रहे हैं? कमाल है। अरे होम स्वीट होम। हेलो, कौन है तुम लोग? सीधे मेरे घर के बेडरूम में घुस गए? तुम्हें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है क्या? ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है, जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। आउट आउट। आ जाते हैं कहीं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो बार बार? कुछ नहीं बेटा, 6 महीनों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। 6 महीने से? हाँ। ऐसी क्या बात है? मुझे एक हेल्प चाहिए। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? बेटा तुम हर छोटे बड़ों की मदद करते रहते हो, मुझ जैसे बुजुर्ग की मदद नहीं कर सकते? रोने वालों के जो आंसू पोंछता है उसकी बहुत इज्जत होती है। मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए थी बेटा, इसीलिए काफी दिनों से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा बेटा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो सबका बहुत ही ध्यान रखती थी, उसे देख करके मुझे मेरी माँ की याद आती, सबको बहुत प्यार करती। उसकी एक आदत थी, वो कुछ भी लिखती तो अपने लेफ्ट हैंड से। इसी तरह से उसके अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें थी जो लोगों से बहुत अलग करती थी उसे। ओके? अरे मैंने ठीक से किया था। अरे मैंने ठीक से किया। देखो तुम लोगों को कोई काम नहीं है? मेरा कोई बेटा नहीं था, लेकिन उसने मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। वो किसी का भी दिल झट से जीत लिया करती थी, पर वो एक लड़के से प्यार कर बैठी थी जिसके बारे में हमें नहीं पता था। बहुत प्यार करती थी उससे। चुप हो जाओ। अरे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, आजकल सब प्यार करते हैं। आप चुप रहिए, हम कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी जल्दी शादी कर देंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
गलती तो इन दोनों की ही है। अब एक काम करते हैं, ये ठीक रहेगा कि दोनों की शादी करवा दी जाए। अब शादी में खर्चे तो होंगे ही, 10 लाख तो लग ही जाएंगे, क्यों? देखिए, इसके लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम मैं कर सकता हूँ, मगर इतनी जल्दी कैसे करूँगा आप बताइए। तो ठीक है, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा हम शादी के लिए तैयार हैं। ठीक है। अब किया, हमेशा मेरे साथ है, देख रहा है एक दिन मैं भी ठीक आपकी ही तरह बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, बस अपना आशीर्वाद दीजिए। जब जब भाई प्रसाद, ठीक तो हो ना? आपकी दुआ से अच्छा हूँ, मेरे बेटे को कोई नाम दे दीजिए। जरा देखो इसे, इसका नाम भी मैंने ही रखा था और इसके बेटे का भी मैं ही रखने वाला हूँ। अरे ये तो अपने बाप पे गया, बिल्कुल तुम्हारी कॉपी लगता है ये। ये अपने बाप पे गया है या बॉस के ऊपर गया है? बेटा मैं तेरा बहुत अच्छा नाम रखूंगा, शांताराम, शांताराम, शांताराम। यो, क्या हुआ भाई? ये नाम तो बहुत पुराना है। चुप कर, ये मेरे पिताजी का नाम है। भाई बच्चे ने सुसु कर दिया। सुसु कर दी इसने। इतने दिन बेटा बाप के ऊपर सुसु करता था, आज बाप ने बेटे के ऊपर सुसु कर दिए। और इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाना, जाओ। चल, क्या, क्या प्यारा बच्चा है। अरे दादाजी, बाबूजी कहाँ है? दादा आए हैं। मैंने जमीन बेच के 10 लाख रुपए दिए थे, तुम्हें याद है ना? अगर वो पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। हमारी सुमति के लिए एक अच्छा लड़का मिला है, जल्दी ही उसकी शादी करना चाहते हैं हम। कौन से पैसे की बात कर रहे हो? तुमने मुझे कब पैसे दिए थे? क्या बोल रहे हैं आप? मैंने अपनी जमीन बेच करके पैसे बैंक में रखे थे, तुमने कहा था बैंक में रखने के बजाय मुझे दो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा इसके बदले में। भूल गए क्या? याद नहीं है तुम्हें? कहानी अच्छी बनाई तुमने। मुझे तुमने कब पैसे दिए? जो पैसे तुमने दिए उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? बेटी जब मैंने पैसे दिए तो तुम भी सामने ही थे। देखिए मुझे बीच में मत घसीटिए, मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। अरे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। सुनो, रुको, से आते हैं सुबह सुबह। मेरी बात, अगर तुम्हें कुछ पैसे उधार चाहिए तो मांग लो, पर तुमने पैसे दिए ऐसा मत बोलो वरना ठीक नहीं होगा। क्या बोल रहे हो तुम? वो पैसे मेरी मेहनत की कमाई है, उसे कैसे निकालना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम बुजुर्ग हो ये सोच के मैं छोड़ रहा हूँ, तुम मुझे ही चैलेंज कर रहे हो। ये पूरा इलाका अच्छी तरह से जानता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। चलो जाओ। ए, कोई है क्या रे? निकालो इस बुड्ढे को बाहर। कहाँ कहाँ चले आते हैं पैसे मांगने, मांगना चाहते हैं? गलत है ये, मैं तुम्हें बद्दुआ दे रहा हूँ, याद रखना। मेरी बद्दुआ खाली नहीं जाएगी, मेरी मेरी बेटी की शादी के पैसे थे वो। इस उम्र में मैंने इतनी बेइज्जती सही, पैसे के लिए मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैं अपने पहचान के एक एसपी के पास गया, ये सोचा कि मुझे इंसाफ दिलवाएगा, पर वो भी उनके साथ ही मिला हुआ था। क्या करता मैं, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था बेटा। जहां जहां से उम्मीद थी वो सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके थे बेटा। जब इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं तो कोई भी उसका साथ नहीं देता, यही सबसे बड़ी सच्चाई है बेटा। अब चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े बेटा। अब एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे बेटा? प्लीज। मैं उससे मिलना चाहता हूं। वहां देखो, हाँ।
गोपाल पांडे का घर कहाँ है? वो बेटा बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं पता नहीं है तुझे? उनकी बेइज्जती करेगा तू? तुझे क्या लगा उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है क्या? तेरे आगे पीछे अगर चार लोग घूमते हैं तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि तू शहर का बहुत बड़ा डॉन बन गया? आज तक तो तू अपने हिसाब से सबको अपने इशारों पर नचाता आ रहा है। हो सकता है सब लोग तुझे देखकर डरते हो, पर आज मैं तुझे बताऊंगा कि असली डर किसे कहते हैं। इज्जत से पैसे वापस कर, मैं पैसे निकलवाऊंगा। तेरे अब तक के पापों से तेरे पापों का खड़ा भर गया, अब तो तेरी भुगतने की बारी नजदीक आ गई है। बहुत से अन्याय कर लिए तूने, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। तू पांडे है क्या? तू पांडे है क्या? बोलना, तू पांडे है? नहीं। तू पांडे है क्या? मैं नहीं हूं। कौन है वो पांडे? मैं हूं पांडे। सर, आपसे मिलने कोई आया है सर? भेज दो। लगता है डैमेज कुछ ज्यादा ही हो गया है। हाँ, कहो क्या हुआ? कुछ नहीं ऐसे ही। वैसे तुझे मजाक करने का यही मौका मिला है। मुझे पता है क्या हुआ, डिटेल में पता है क्या हुआ, डॉक्टर ने बताया सब मुझे। बकवास बंद कर। आगे से तुम कभी भी अकेले मत जाना, मेरे को कॉल कर देना और बंदा हाजिर हो जाएगा फुल सपोर्ट के लिए। ओके? क्यों, तूने बाजू का बेड बुक करवाया है क्या? आया बड़ा बात करने वाला। इस वक्त तुझे कॉमेडी सूझ रही है, है? तो ठीक है, आगे से सारी डील तू खुद ही कर लेना, मैं चलता हूं। हाँ। पागल कहीं का। बेटा दर्द हो रहा है क्या? क्यों, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या? बेटा जो काम ताकत से नहीं होता उसे बुद्धि से करना पड़ता है। दादाजी को नहीं पहचानते? याद है तुम्हारे डैडी ने क्या बोला था? डैडी ने क्या बोला था? ये तो तुम ही बोल रहे हो ना? बोल तो मैं रहा हूं, लेकिन तुम्हारे डैडी ने कुछ बोला था। तुमने किसी से कर्जा लिया था और लौटाया नहीं। ये डैडी नहीं, ये तुम बोल रहे हो। कौन हो तुम? बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ। बेवकूफ कहीं के, अपने डैडी की बात नहीं मानते। डैडी? पर वो कैसे बोलेंगे, आवाज तो पीछे से आ रही है। नहीं, आवाज तुम्हारे दादाजी के मुंह से आ रही है। क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जो भी हो सामने आके बात करो। तुम और तुम्हारे चेले ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। अरे क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा क्या किया है मैंने? कुछ याद नहीं है। मैंने तो बस एक छोटे से आदमी को मारा था, बस इतना ही किया था। वो भला आदमी था। अरे उस भले आदमी को तुमने मारा था, पहचान नहीं पाए, वो मैं ही था। वो तुम ही थे? हाँ,
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अरे रे 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 रे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आप उसके पैसे वापस कर दो। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? उस भले आदमी का नाम वासु है और वो मैं ही हूँ। जाओ जाके मिलो। अच्छा, समझ गए ना? समझ गया डैडी, समझ गया डैडी, समझ गया। नाम याद रखना वासु। जाके तुरंत पैसे लौटाओ और वो वासु मैं ही हूँ। याद रखोगे ना? याद रखूंगा डैडी। जा मेरे लाल, अपना कर्तव्य निभाओ डैडी। डैडी कहाँ गए? डैडी अरे कहाँ छुपे होंगे? ढूंढना पड़ेगा डैडी। हाँ कहाँ ढूंढे आप उनको? हाँ डैडी, डैडी कौन है भाई? डैडी ये क्या कर रहे हो? मेरे पैर छोड़ो। मैंने छोड़ो, किया उसके अरे छोड़ो। लिए मुझे माफ कर दो डैडी। अच्छा ऐसा क्या? माफ किया। अब उठ जाओ, चलो। थैंक यू डैडी। डैडी डैडी किसको बोल रहे हो? कल रात की बात, वो भूल गए क्या? हाँ मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। ए लारे, दादी ये लो डैडी, ये रे पैसे, अब शादी धूमधाम से करना। आपको अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए तो बस मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा। आपकी हर प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए आगे से आप सब प्रॉब्लम मुझे बता देना। एक और इच्छा है मेरी। अब क्या हुआ? मैं जब छोटा था तो आप मेरी चुम्मी लेते थे। हाँ। अब मैं आपकी चुम्मी लेना चाहता हूँ। डैडी थैंक यू, मिलते हैं डैडी, बाय बाय। आप लोग खुश हैं? थैंक्स वासु। दीदी रो क्यों रही हो? क्या बात है? आज मेरे बेटे का बर्थडे है। बेटे का बर्थडे है तो खुशी की बात है, उसमें रोने की क्या जरूरत है? लेकिन जिस बेटे का आज जन्मदिन है वो इस दुनिया में नहीं है। कुमार को क्रिकेट का बहुत शौक था, पर मेरे पति को क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। जब देखो तब क्रिकेट है, कभी पढ़ लिख भी लिया करो। यहाँ भी क्रिकेट खेल रहा है, क्यों रे? जल्दी से ना आना, कितनी देर लगाएगा? छाछ पिएगा? ए हॉर्लिक्स पी। ये पिएगा? ए हॉर्लिक्स पिएगा ना? छाछ पीने से ताकत मिलती है। ए वो तो बूढ़े पीते हैं, तू हॉर्लिक्स पी। हाँ मेरे पति थोड़े देहाती थे, इसलिए उनकी सोच काफी ट्रेडिशनल थी। अगर मैं एलोपैथी कहूँ तो वो होम्योपैथी। सरदर्द के लिए अगर मैं एलोपैथी लेती हूँ तो वो घरेलू नुस्खे लेके सरदर्द ठीक करते। यही एक वजह थी हमारे झगड़े के लिए। मेरे बेटे का फाइनल मैच था, मैंने पहली बार उनके चेहरे पे खुशी देखी थी। बहुत अच्छे बेटा। देखने चले गए, वो बहुत अच्छा खेल रहा था। हे कुमार! बैठो बैठो, चुप रहिए। करती है, मैंने कहा ना वो जीतेगा। सुनिए जी, उसे क्या हुआ? कुछ कीजिए ना। अरे देखो तो, मैच खेलते खेलते मेरा बेटा कितना थक गया है, उसे कहीं ना रुक जाए। देखो देखो देखो, बेटा, बेटा, कुमार, बेटा, कुमार,
कुमार क्या हुआ बच्चा? बेटा। कुमार। उस दिन भी मेरे पति ने कहा कि तुम उसे नींबू पानी पिला दो, पर मैंने उनकी नहीं सुनी। अपने बेटे को मैं हॉस्पिटल ले गई। लड़ने की कोई बात नहीं, नींबू पानी अगर पिला देते तो ये वहीं पे ठीक हो जाता। इस उम्र में ऐसा हो जाता है, चिंता मत करियो। वैसे मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, विटामिन की कमी से ऐसा हुआ है। फ्रूट और सब्जियाँ खिलाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। He should be okay. ठीक। Okay. Okay. नर्स। ये लो बहन। क्या हुआ बेटा? माँ पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है माँ। क्या हुआ बेटा? माँ दर्द हो रहा है माँ, माँ दर्द हो रहा है। क्यों चिल्ला रहा है ये? माँ दर्द हो रहा है माँ। कुमार, 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 कुमार क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? कुमार क्या हुआ? सुनिए जी, देखो तो इसे क्या हुआ है, आइए ना जल्दी। अरे क्या हुआ? मेरा बच्चा। बेटा क्या हुआ? बेटा कुमार आंखें खोलो बेटा। क्या हुआ कुमार? क्या हुआ इसे? इसे क्या हुआ है देखिए ना जी। बेटा मेरे बच्चे। बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? बेटा कुमार, क्या हुआ कुमार? क्या हुआ? कुमार आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? हाँ इंसान, ये नकली दवा देकर तूने मेरे बेटे की जान ली है। कौन हो तुम? ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब तुम्हें ये दवाइयाँ दी? मैं बकवास कर रही हूँ कि तू बकवास कर रहा है? पैसों के लिए कितनों की जान लेगा कमीना? बहन जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? आप मेरी दुकान से दवाई लेकर गई हैं, आपके पास बिल है क्या? बिल? अरे तूने कब दिया था मुझे बिल? मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, सारी दुनिया को बता दूंगी कि तू कैसा कमीना इंसान है, सब बता दूंगी मैं तेरे बारे में। हाँ जाओ जाओ। सुनिए, इस कमीने की दुकान से कोई दवाई मत लेना, ये जल्लाद है, ये बच्चों की जान लेता है, इसकी दवाई नकली है, कोई मत लेना। ये क्या फालतू में बकवास कर रही हो? मेरी दुकान को बदनाम कर रही हो? हाँ तुम्हें औरत समझकर मैं चुप बैठा हूँ तो जो मर्जी है वही बोल रही हो तुम? हाँ जाओ यहाँ से, जाओ कहीं और बकवास करो, जाओ यहाँ से, इज्जत से चली जाओ। मैं चुप बैठा हूँ तो बकवास किए जा रही हो? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। सब खत्म हो गया, बात मत करो मुझसे, उसे मारने वाला और कोई नहीं, मैंने मारा उसे। वो मेडिकल वाला? लेकिन दवा तो हमने बाद में खिलाई थी ना, उसके पहले सिर्फ चक्कर ही था ना, कहा था कि नींबू पानी देंगे तो ठीक हो जाएगा, तुमने नहीं सुनी। मुझे भी कोई गोली खिला दो, मैंने उसे अपने हाथों से चलाया, उसे थोड़ा भी चोट लगता तो मुझे कितनी तकलीफ होती थी। क्या गुजरी है मेरे दिल पे, और सब कुछ खत्म हो गया मेरा। हाथ मत लगाओ, मुझसे बात मत करो,
तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपने बेटे की मौत याद आती है। जाया उसे, मेरे सामने मत आना, कहीं भी चली जाओ। मेरे बेटे की मौत उस नकली दवा की वजह से हुई थी, पर मेरे पति मुझे कोस रहे थे। उस मेडिकल शॉप वाले को सजा देने की बजाय मेरे पति मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे थे। अब बताओ मैं क्या करूं? वासु, मुझे इंसाफ चाहिए वासु। ये जो हादसा मेरे बेटे के साथ हुआ है, मैं चाहती हूँ और किसी के साथ ना हो। अरे क्यों मार रहे हो? चल, क्या किया मैंने? ए, छोड़ मुझे। आ, 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 अरे बाप रे, अरे कोई बचाओ मुझे। क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने क्या गलती की? अरे अरे भाई कौन हो तू? क्यों मार रहे हो? बिना जानकारी के तू कोई भी दवाई देने का? अरे बाप रे, रोट। अरे मैंने कौन सी दवा दी? किसी के भी जिंदगी के साथ खेलेगा तू? तुझे हक है क्या? बोल। अरे बाप रे, बताओ मुझे। बोल। मुझे छोड़ दो। कुमार को दवाई दी थी, बताया ना तुझे? कुमार पता नहीं, कुमार पता नहीं तुझे? बोलना। अरे कौन है वो कुमार, बताओ ना भाई। बिना जानकारी के करो तो वो एक्सीडेंट, लेकिन तूने तो जानबूझ के किया है। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। अब बोल। बीमारी में जो मरने की हालत में होते हैं उन्हें तुम गोलियां देकर बचाओ, ये तुम्हारा फर्ज होता है। लेकिन तुमने तो लोगों की जिंदगी का व्यवसाय बना दिया। लोगों की जिंदगी से खेलना ये तुम्हारा बिजनेस हो गया है। और सेवा, सेवा तो तुम करते हो नहीं, लोगों से बस पैसे उगलवाना जानते हो। ये जो तेरी दुकान है ना, इसे अभी बंद कर दे। बंद कर। जिंदगी से खेलता है लोगों के। रुको, रुक जाओ। मैं कहता हूँ मैं चुपचाप हूँ और तुम्हारे जा रहा है? हा? ये सिर्फ इसी एरिया में नहीं हो रहा है, यहाँ की तो बात ही छोड़, पूरे देश में हो रहा है। क्यों, तू ये सब रोकने चला है ना? ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। जा यहाँ से, अपना काम कर। ए, तूने अभी मुझे मारा ना? इन सबको पता है कि ये डुप्लीकेट दवाइयाँ बिकती हैं। तू क्या समझता है ये लोग मेरी दुकान पर दवाई लेने नहीं आएंगे क्या? चल जा यहाँ से। इसके पहले भी बहुत सारे लोग मेरी दुकान पर आकर ऐसे ही भाषण दे रहे थे, कभी कुछ नहीं होने वाला। तू जा यहाँ से, अपना काम कर। फालतू में आकर मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। ए, तेरे बस का नहीं है, लफड़े में मत पड़, जा जा। पूरे मेडिकल स्टोर का कबाड़ा बना कर रख दिया। जिसके जो दिल में आता है वही करता है, आजकल तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। जा यहाँ से। दीदी, तो मर्जी वही नेता गिरी करने चलाता है। बस जितनी दवाई थी सब फेंकी। सर, अपनी मेडिकल शॉप पर चेकिंग होने वाली है, ऐसा मैसेज आया है। मेरी दुकान में सारी दवाइयाँ ओरिजिनल हैं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। जाओ यहाँ से। 24 घंटे के अंदर सारी दवा की दुकानों पर रेड पड़ने वाली है, इसलिए सारे दुकानदार अपने नकली दवाइयों को बाहर फेंक रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी ज्यादा नकली दवाओं का ढेर लगा है। ये नकली दवाएं ही जिम्मेदार है लोगों की जान लेने के लिए। नमस्कार, इन सब के पीछे कौन है? इन डुप्लीकेट दवाइयों की वजह से मासूम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक एसएमएस की वजह से दुकानदारों की खटिया खड़ी हो गई है। सब डुप्लीकेट दवाइयां अब कचरा पेटी में फेंकी जा रही है। जल्द ही सब डुप्लीकेट दवाइयां खत्म होगी और परेशानी कम होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। मेरे पति की मौत इन दवाइयों के वजह से हुई है, ना कि डॉक्टर की वजह से। अब हम जैसे गरीबों को न्याय कौन दिलाएगा? तबीयत ठीक होने के लिए हम दवाई लेते हैं, पर इनमें से कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट पता ही नहीं चलता। नकली दवा बेचने वालों को तुरंत जेल में डालना चाहिए, नहीं तो हम इसके विरोध में स्ट्राइक करेंगे। मरीज की जान बचाना डॉक्टर का काम है, लेकिन मार्केट में डुप्लीकेट दवाइयाँ बिकती हैं तो इसमें डॉक्टर का क्या दोष है? डॉक्टर तो हमेशा चाहता है कि उसके मरीज की जान बच जाए, इसलिए अच्छी दवाइयाँ लिखता है। लेकिन मेडिकल स्टोर में नकली दवाइयाँ मिलती हैं, जिससे मरीज की जान को खतरा होता है, इसे रोकना ही होगा। वो एसएमएस वाला कौन है पता नहीं है सर। अरे उसने जो भी किया वो ठीक है, उस बच्चे की
मौत की वजह वो दवाई ही थी। किस कंपनी की है वो? लिंगेशन सर। उसकी कंपनी सील कर दो और उसको अरेस्ट करो। पांडे, तुमसे एक बात कहनी है। वो एसएमएस करने वाला कौन है? कहाँ है? उसे ऐसे नहीं छोड़ना, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए, समझ गए? किसी भी हाल में उसको खलास करो। एसएमएस भेजने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना। तुमसे ऐसी ही उम्मीद है। काम जाए तो फोन करना। सुना ना तूने? उस एसएमएस भेजने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना। उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे भाई, उसे छोड़ेंगे नहीं हम। बात कम कर, काम जा। ठीक है भाई, ठीक है, टेंशन मत लीजिए भाई। चलो लग जाओ काम पे, चलो। सर नमस्ते। आप? मैं कौन हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर। आपकी ये गलत फहमी है कि आपके बेटे की मौत आपकी बीवी की वजह से हुई। समझ गया सर, एकदम समझ गया सर, बहुत अच्छे से समझ। आइए दीदी। मैं? आइए दीदी। दीदी यहीं पर है। वो यहीं है, यहां मेरे दिल में है सर। अरे सर, दीदी तो यहीं पर है। सुनिए जी, वो इधर ही है, देखिए सर। मैंने कहा ना मेरे पीछे मत आइए, जाइए यहाँ से। देखो बहुत उम्मीद है तुमसे। देखिए मेरा पीछा मत कीजिए, चले जाइए, जाइए पहले यहाँ से, जाइए जाइए, मैं बोल रहा हूँ ना, जाइए। देखिए पीछे मत आना, पीछे मत आना। अरे लेकिन बात तो सुनो सही। मैंने कहा ना मेरा पीछा मत करो, मैं पहले से परेशान हूँ। जाइए, देखिए मारूंगा पकड़ के, हट। इज्जत से बोल रहा हूँ, जाइए यहाँ से, मेरा पीछा मत कीजिए, जाइए। अरे बोल रहा हूँ ना, जाइए। शांति सर वहां देखना, जाओ ना, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, जाओ यहाँ से। वासु, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये क्या कर रहा है? पागल तो नहीं है ये? वहाँ बात किससे कर रहा है? है कि नहीं? अरे तुम्हारी तो, जाओ यहाँ से। लगता है पागल हो गया है। बात भी पीछा कर रहे हैं, परेशान करके रखा है। शांति चलो चलो वहाँ चल के देखते हैं। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो फंस गया इनकी मदद करके, अब तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। हाँ बस यही रोक दीजिए। ठीक है मैडम। हाँ बस भैया, आज मैं खुश हूँ और इज्जत से जी रही हूँ, इसकी वजह आप हो।
बच्चे का नाम क्या रखा है आपने? बाला सुब्रमण्यम, मेरे पापा का नाम। चलती हूँ भैया। वासु, मेरा जो सपना था अपने पोते को देखने का, वो आज तुम्हारी वजह से पूरा हुआ बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आत्मा को शांति मिल गई बेटा। अब मैं यहां से सुकून से जा सकता हूँ। शुक्रिया वासु, अब मैं चलता हूँ। जरा देखो उसे, पता नहीं वहां किसको टाटा कर रहा है। हाँ, पता नहीं किसे टाटा कर रहा है। भैया, मुझे इंसाफ दिला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब डुप्लीकेट दवाइयों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलती हूँ, खुश रहना। ये वहां किससे बात कर रहा है? भैया 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 भैया, मेरी भी एक इच्छा है। अब तेरा ही नंबर आएगा। किससे बात कर रहे हो तुम? ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं अभी नहीं बता सकता तुम्हें। अब बाद में आराम से बताऊंगा ना। अभी क्या प्रॉब्लम है? मेरी इच्छा तो सुनो भैया, शांति बात सुनो ना। बता रहा हूँ ना, पहले इससे तो बात कर लो। क्यों इतनी जिद करते हो बच्चू? थोड़ी देर रुको ना। तुम बात किससे कर रहे हो? हैं बताता हूँ। बताओ। सब बताता हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। देखो भैया, क्या है बच्चू, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं भूत बन के तुम्हारे पीछे ही रहूँगा। और मैं तुम्हारे सपनों में आके रोज तुम्हें डराया करूँगा भैया। क्या बोल रहा है तू? क्या मुझे भूत बन के डराएगा? ये भी कोई इंसाफ है क्या? मारूंगा तुझे। वासु, तुम किससे बात कर रहे हो, बताओगे? ये सारी कहानी बहुत पेचीदा है, बताओ तो सही। हाँ हाँ, सब बताता हूँ। देखो अभी मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है, प्लीज अभी मुझे जाने दो। हाँ? ओह नो, इसे भी अभी आना था। सारी मुश्किलें एक साथ आती हैं। अब अरे नहीं नहीं, डैडी, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या? अरे बाप रे, ये बुढ़िया कौन है? डैडी, एक और बताओ ये कौन है? अरे मुझे कैसे पता होगा, तू ही तो बताएगा। मैं बताता हूँ, ये आपकी बीवी है। क्या कह रहे हैं वो? तुम्हारी बीवी? नहीं 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 नहीं, अरे ये सब झूठ बोल रहा है शांति। ए तू गाइस, चुप रहना तू। शांति, ये दूसरा मैटर है। अजी सुनते हो जी, आप मुझे भूल तो नहीं गए ना? नहीं नहीं शांति, मैं मम्मी, गो मम्मी, गेट द डैडी। जाओ माँ। अरे बाप रे, अच्छे खासे बच गए। किससे बच रहे हो भैया? कौन है बे? मैं हूँ भैया। कौन है? मैं यहाँ पे हूँ। ये किस तरह का इंसाफ है? दूंगा एक, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? ठीक है, बोल तेरी क्या इच्छा है? मेरे डैडी BHL इंजीनियर हैं। ए, तो अब क्या मुझे बॉयलर में हाथ डालना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरी माँ को मेरी बहन की चिंता रहती है। मतलब तेरी बहन टेंशन में है क्या? अरे सुनो तो सही। ए, ए, कूल 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 बेटा, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? बोलो। गुड गुड गुड, क्या बाइक चलाता है, ये है मेरा बेटा। देखो बेटा, ये है क्लच, ये है एक्सेलरेटर, हाँ संभाल के चलाओ, बिल्कुल सामने देख के, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, हिलाना मत, हाँ एकदम स्ट्रेट, हाँ शाबाश। ये क्या कर रहे हैं जी? डैडी आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम? चलो चलो,
नहीं आइसक्रीम नहीं खिला सकता, नहीं खाना चाहिए, सर्दी हो जाती है। चलो आइसक्रीम। तेरा तो हमेशा का है, हमेशा रात में ही जगाती है। आकाश, आइसक्रीम डॉक्टर ने खाने से मना किया है ना? हाँ, कितनी बार तुझसे कहा है कि आइसक्रीम मत खाया कर, सर्दी होती है ना, तुझे पता है ना? हाँ, डॉक्टर ने मना किया है ना, फिर भी नहीं समझ में आता है? कितनी बार समझाऊंगी तुझे? हाँ, तुमसे मार क्यों रही हो? देखिए तो इतनी रात को आइसक्रीम खा रहा है। बेटा इतनी रात को आइसक्रीम खाते है क्या? हाँ, तुझे मना किया था ना कि आइसक्रीम नहीं खाना है, नहीं खाना है तुम्हें, मना किया था ना तुम्हें? हाँ, खबरदार जो आगे से आइसक्रीम खाए। सिर्फ आइसक्रीम खाने से मुझे मम्मी और पापा दोनों ने मारा। खुशी से आइसक्रीम खाना मना है क्या? तुम ही बताओ, मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है ना, तो मैं क्या करूं भैया? अरे रो क्यों रहे हो? ए, इतना क्यों रो रहे हो? अरे क्यों रो रहे हो? ए, प्लीज, पहली बार मैंने किसी आत्मा को रोते हुए देखा है। ठीक है, अब क्या करना होगा? अरे बोलो ना क्या करना होगा। मुझे 2 किलो आइसक्रीम चाहिए। हा? क्या बोला? 2 किलो आइसक्रीम ऐसे मंगवा रहे हो जैसे राशन की दुकान से चीनी मंगवा रहे हो? मुझे 2 किलो आइसक्रीम चाहिए, वही मेरी इच्छा है। अरे तुम तो आत्मा हो, तुम कैसे आइसक्रीम खा सकते हो पागल? तो रेडी हो ना? किस लिए? पेड़ पौधे लगाओ देश को बचाओ। शांति आंटी, टाटा शांति आंटी, वासु अंकल मुझे मैंगो आइसक्रीम खिलाने वाले हैं। यहाँ तो है मैंगो आइसक्रीम। यस सर। अंकल मुझे ना अंकल स्ट्रॉबेरी, मैंगो, चॉकलेट फ्लेवर। सर क्या लेंगे? मुझे ना मुझे स्ट्रॉबेरी, नहीं 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 नहीं, मुझे ना वेनिला, वेनिला आइसक्रीम लेके आओ। जाओ जाओ सर के लिए एक वेनिला। वेनिला ये लीजिए। थैंक यू अंकल। आराम से। ये लो बिल। ये क्या है? बिल। हम क्या कर रहे हो? बिल है ये। अरे अंकल मुझे ना ऑल आइसक्रीम खाने हैं। जाओ सारे फ्लेवर लेके आओ। जाओ। आइसक्रीम तो लाता हूँ पर ये मुझे अंकल कहना बंद कर दो। क्या अंकल, आप तो उम्र में मुझसे बड़े हैं ना, इतना भी नहीं समझते? बड़ों को अंकल बोला जाता है, इतना भी नहीं समझते? शेम शेम। अरे घर छोड़ो, जाने दो, मुझे क्या करना है? बस ये आइसक्रीम के पैसे दे दे। नहीं सुनो, आइसक्रीम के पैसे तो है ना, वो तो वासु अंकल देंगे। वासु? अब ये कौन है? पागल, उन्हें ढूंढ रहे हो क्या? तुम्हें पता भी नहीं है? अले, जाओ जाओ अंकल, फिर से शेम शेम। अरे हाँ पैसे तो है। ठीक, अभी लेके आता हूँ आइसक्रीम। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना आइसक्रीम तो। कितनी खाएगा पता नहीं, देखते भर दो। लाओ। अरे तो सारी की सारी चट कर लिया। आप ठीक तो है? आपने सारी आइसक्रीम खा ली, अब इसके पैसे दे दीजिए मुझे जल्दी। जाओ अंकल। ये लो अंकल, मुझे सब चाहिए। हाँ, दूसरों को मत देना। थैंक यू अंकल। अंकल ही क्या, आप तो मुझे दादा बोल सकते हैं। अरे मम्मी डैडी ने देखा तो फिर से मारेंगे।
मर गया। क्या हुआ? टिश्यू पेपर। ये लो। थैंक यू अंकल। क्या हुआ क्या? मम्मी, मम्मी, अब मैं क्या करूं? तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? आइसक्रीम खाते हुए मेरे मम्मी डैडी ने मुझे देख लिया था, इसलिए भाग के आ गया। ओह नो। हे, अरे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें कोई पहचानने वाला नहीं है। तुम चाहे जो भी करो, सबको मैं ही दिखाई दूंगा, समझ गए? क्या हुआ? ये तो गिर गया। चलो आ जाओ। बेटा, तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगवाई है, खाओ। नहीं। अच्छी है। नहीं चाहिए। अच्छी है ना? डैडी। डैडी, ये कौन है? सुनो, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, चलो खाओ। मम्मी। मम्मी, मुझ पर आपको विश्वास है ना? हे मिस्टर, कौन हो तुम? मेरे मम्मी डैडी बिल्कुल आप जैसे हैं, उनकी याद आ गई इसलिए आपको मम्मी डैडी कहा। जैसे बोलते हैं वैसे करो, ठीक है? ओके भैया। मुझे मेरे आकाश की याद आ रही सर, मुंह खोले। नीचे कीजिए। एक लव प्रॉब्लम। आ कीजिए। इस तरह। मुंह खोले। आपके गले में स्वेलिंग आ गई है। इसके लिए तुरंत ऑपरेशन करना होगा। नहीं तो आपकी आवाज जा सकती है। नर्स, इन्हें बेड पे शिफ्ट कर दो। हमें आज ही ऑपरेशन करना है। ओके। ये क्या? मैंने आइसक्रीम खाई इसलिए वासु भैया को तकलीफ झेलनी पड़ रही है? क्या हुआ ये? क्या है ना, प्यार में ये फेल हो गए हैं इसलिए पुराने गाने सुनते हैं। बेचारे डॉक्टर अंकल। भैया, भैया शुक्रिया भैया, मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा तुमने पूरी की। भैया जी, आपने मम्मी डैडी से मिलाया, उनका आशीर्वाद भी मिला। ए, थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। माँ बाप का जो आशीर्वाद मिला उसकी वजह तो तुम ही हो। अगर तुम ना होते तो इतना प्यार मुझे नहीं मिलता। थैंक्स बच्चों। मैं चलता हूँ भैया। ऑपरेशन। क्या कहा? किस बात का ऑपरेशन? अरे क्या बात कर रहे हैं? आपके गले में स्वेलिंग थी ना? वो गया ना। क्या कहा? परेशानी चली गई। वो कैसे जा सकती है? देखिए, आपका दोबारा चेकअप करना पड़ेगा। अब इनको
कैसे समझाऊं उस बच्चे की आत्मा के बारे में? छुपाने में ही मना है। डॉक्टर, आपको कोई बुला रहा है? जी सर, सर सुनिए सर। वासु, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलो ना। बच्चों के जैसे चिल्ला रहे थे तुम, बच्चों के साथ। पेड़ को लगाओ, देश को बचाओ, पेड़ को लगाओ, देश को बचाओ, ये सब क्या कर रहे थे तुम? मैं? इन्हीं आंखों से देखा है? नहीं नहीं, वो मैं नहीं था। और झूठ बोल रहे हो तुम्हें तो? तुम मुझे आंटी बुला रहे थे। ये जरूर उस आकाश की हरकत होगी। अब इसे कैसे बताऊं? क्या सोच रहे हो तुम? वो क्या, वो दरअसल बात। वासु, दैट्स गुड। मिस्टर वासु, आपको एमडी बुला रहे हैं। हाँ, आ रहा हूँ। कस्टमर्स बहुत डिमांड कर रहे हैं, मैं जल्दी ही भिजवाता हूँ। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेट्स वासु, आप दुबई जाने के लिए तैयार है ना? सर, पर मैंने तो अब तक पैसे भरे ही नहीं। शांति ने तुम्हारे नाम से 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया है। शांति, तुम सिर्फ हाँ करो, एक हफ्ते में तुम्हारा वीजा और टिकट रेडी हो जाएगा। सैलरी भी बहुत अच्छी है, रहना खाना सब कुछ फ्री। तुम्हारे जैसे लोग अगर वहाँ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब क्या सोच रहे हो वासु? मुझे अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं सर, वो खत्म होते ही मैं आपको बता दूंगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच। ओके। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कोई आदमी आके उसे डैडी बुलाता है और वो औरत तो पति बुला रही थी उसे, 60 साल की बुड्ढी। ये कोई गड़बड़ वाला मामला लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। जवानी में अक्सर ऐसा सब कुछ होता है। छी, ऐसा मत बोल। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो राइम्स गा रहा था। चलो वो सब तो ठीक है, पर उसने मुझे आंटी भी बुलाया। तो जो भी कुछ बोल रही है उसका कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। मे बी हलोजिनेशन होगा। साइकियाट्रिस्ट से मिलो, दिमाग से हैंडल करना होगा, बहुत मामूली बात है। पर एक बात याद रखना, उसका जो भी बर्ताव है उसके वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस बात का तुम अच्छी तरह से ध्यान रखना। उसके दिल की गहराइयों को समझो और तुम भी इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, वरना ये भूत बनकर तुम्हें हमेशा सताता रहेगा। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जान से मार दूंगी तुम्हें, जान से मार दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये आप लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहे हैं। अरे बाप रे, शांति कहाँ है? थैंक यू शांति। किस लिए? तुमने ऑफिस में मेरे लिए पैसे जमा किए। हम दोनों में कोई फर्क मत समझो वासु, प्लीज। क्या बोलूं शांति, बचपन से ही बहुत तकलीफ झेली है मैंने, ना कोई दोस्त है ना परिवार। मैं तो सभी को चाहता था लेकिन मुझे किसी ने नहीं चाहा, लेकिन तुमने मुझे बहुत चाहा। पहली बार जब किसी की इच्छा पूरी की तब मुझे इस बात का पता चला कि असली खुशी किस में होती है, और सच कह रहा हूं मैं, अब मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। तुम मेरी जिंदगी में खुशी बन के आई हो। डोंट बी इमोशनल वासु, प्लीज। वासु, जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो अपने क्लासमेट अरुण को बहुत प्यार करती थी। इस बात पे मेरी हेल्प करने के लिए मेरी फ्रेंड कल्पना, वंदना और अर्चना आई। ये बात अरुण को पता नहीं है। उसे नहीं पता है तो तू जाके उसे बोल ना। तू जाके बोलना। मैं नहीं बोल सकती, तुझे ही बोलना होगा। क्या बात है, बोलो। आई लव यू। पता है, मुझे सब पता है। कैसे पता है? आई लव यू तुम्हारे मुंह से मैं सुनना चाहता था। यस, ये खुश
खुशी कल्पना को बताने के लिए मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो नहीं मिली। हॉस्टल में देखो। तभी मुझे एक डायरी मिली। कल्पना भी प्यार कर रही थी, ये मुझे डायरी से पता चला। कल्पना उससे प्यार करती थी। जब मैंने बताया कि मैं अरुण से प्यार करती हूँ, तो कल्पना मेरे लिए अपने प्यार को कुर्बान कर बैठी। वो अपने फ्रेंड के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देना चाहती थी, पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं अपने फ्रेंड को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं वो डायरी लेके वहाँ से निकल पड़ी। और मैंने कल्पना को कभी नहीं बताया कि मुझे ये बात पता है। अब कुछ भी हो जाए, मुझे उन दोनों को मिलाना है। वो डायरी मैंने अपने पास ही रख ली। ये बात मैंने अरुण को भी नहीं बताई। उन दोनों को मिलाने के लिए एक काम करना होगा, करोगे ना भैया? उन दोनों को मिलाने के लिए एक काम करना होगा। क्या कहा? हाँ, मामा का काम। प्लीज। देखो सविता, मुंबई में हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही। उन सबका प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्या? की मदद नहीं की तो मैं इंसानियत के लायक नहीं हूं। वासु, वासु कब से चिल्ला रही हूं मैं? बोलो, किससे बात कर रहे थे तुम? बोलो। मैं बताऊंगा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं कब से यहां खड़ी हूं और तुम्हें पता भी नहीं चला? बोलो। वक्त आने पर बता दूंगा। मुझे अभी जानना है। इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकता। तो लक्ष्मी ने जो कहा सही कहा। लक्ष्मी कौन? साइकियाट्रिस्ट है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए वासु। साइकियाट्रिस्ट? साइकियाट्रिस्ट के पास मेरे बारे में बात करने वाली तुम कौन होती हो? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? शांति, 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 मेरी बात तो सुनो। वासु। हाँ, चली गई। क्या हुआ? मेरी वजह से शांति घर छोड़ के चली गई। उसको सच बता दो, मेरे सपने से ज्यादा तुम्हारे लिए शांति इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, तब तक मैं शांति को कुछ नहीं बताऊंगा। जब तक तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वैसे वो डायरी कहाँ है? वो उसी के पास है। थैंक यू वासु।
आज तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं चलती हूँ वासु। वासु? हाँ? शांति, मैं तुम्हारा नाम क्या है? आपको पता नहीं है क्या? पता है ना, फिर भी मुझे बताओ। कितने दिन से ऐसा हो रहा है? क्यों, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बताया नहीं? जितना पूछा है उतना बोलो, इतना गुस्सा नहीं करते। तुम्हारा एड्रेस क्या है बोलो पप्पू। अच्छा बताओ वासु, तुम्हारे आगे वाले पीछे वाले रूम में कोई रहता है ऐसा तुम्हें लगता है क्या? गुड, बताओ ना वासु। ये क्या पूछ रही है डॉक्टर? टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, बेकार के सवाल कर रही है। यही इसकी प्रॉब्लम है। वासु, वहां पर कौन है? क्यों, आपको पता नहीं है? मुझे तो नहीं पता। तो मुझे भी नहीं पता। तो तुम्हें पता क्या है? जो तुम्हें पता नहीं है। तो तुम्हें पता क्या है वो बताओ। तुम्हें जो पता नहीं है वो मुझे भी नहीं पता। बहुत मुश्किल है। क्या है ये सब? कुछ तो कोऑपरेट करो ना वासु। कुछ नहीं, एक छोटा सा टेस्ट है। शांति, तुम्हारे फ्रेंड से बोलो ये सब यही खत्म करे। वासु, एक सिंपल टेस्ट है। इससे चुप रहने के लिए कहो। डॉक्टर जो बोल रहे हैं सुन लो ना। क्या टेस्ट है? साइको एनालिसिस टेस्ट। तुम जो ये सब कर रहे हो उससे तो यही लगता है। तुम्हारा मतलब मैं पागल हूं क्या? हाँ? शांति, I'm so sorry. तुमने मुझे मारा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब कर रही थी। पर अब मुझे तुमसे डर लगता है। तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ। मैं तो बस यही करने की कोशिश कर रही थी। तुम ही बताओ कि मैंने इन सब में क्या गलत किया? क्या गलत किया वासु? बोलो। शांति, मेरी बात तो सुनो। शांति, मेरे पास मत आओ, पीछे जाओ, मुझसे बात मत करो। तुम्हें जो ठीक लगता है करो, मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। शांति। सुन ले दिल की सदा, तेरे बिन रोना
फिर क्यों रह तू मुझसे खफा तेरे बिना नहीं जीना हमें यहाँ फिर क्यों रह तू मुझसे दिल को कोई बात लग जाती है तो बहुत धक्का लगता है। मैं एक मंदिर में पुजारी था। एक दिन मैं मंदिर में पूजा करने के लिए गया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मेरी एक बेटी है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसी बेटी। हाँ, मेरा परिवार, मैं और मेरी पत्नी मेरी बेटी के साथ बहुत खुश थे। मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाना इतना मुश्किल होगा हमें यह पता नहीं था। लेकिन मेरी बेटी के सर पर डॉक्टर बनने का जुनून सवार था। घर पे सब कुछ अच्छा है ना? सब कुछ अच्छा है। हाँ। ये बताओ इतनी दूर कैसे आना हुआ? मेरी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती है। मैं इस पे यकीन नहीं करता। आप अपने बेटे से पूछ कर देखिए। अंकल, पापा ने पैसे दिए, फिर सीट मिली। हमारे सीनियर सोमू ने मुझे सीट दिलवाई। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसकी पहुंच ऊपर तक है। उसी की वजह से मेरा एडमिशन आसानी से हो गया। वैसे आप भी उन्हें ही पैसे दो, आपको भी सीट दिलवा देंगे। सोमू पे भरोसा कर सकते हैं, वो अच्छा इंसान है। ठीक है अंकल, आप कॉलेज आइए, मैं सोमू से मिलवा देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। मेडिकल सीट मिल सकती है तुम्हारी बेटी को? हाँ, पर थोड़े पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? 60 लाख रुपए लगेंगे। 60 लाख? लगता है आप मिडिल क्लास फैमिली से हो। 9 लाख दे दो, सीट दिला दूंगा। बेटे, मैं 9 लाख रुपए का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को सीट दिला दो। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट और टीसी सुबह लेकर आ जाओ। मैं एक VIP आदमी से मिलवा दूंगा, वो सीट दिला देंगे। हाँ ठीक है बेटा। वो तो हमारे जूनियर ने बताया, इसलिए इतने कम में करा रहा हूँ। कोई और पार्टी रहे तो लेके आ जाना, मैं सीट दिला दूंगा, और 3 सीट हैं। ठीक है, चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मैंने अपना घर गिरवी रखकर 9 लाख रुपए कर्ज ले लिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या बात है? इनके डॉक्यूमेंट सब ठीक है सर, इनको सब कुछ समझा भी दिया है, और ये पैसे भी लेकर आ गए हैं सर। इस पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? पूरा भरोसा कर सकते हैं सर। चल पैसे लेके आ जा। ठीक है सर। पूरे 9 लाख हैं। पूरे 9 लाख हैं सर। हाँ होंगे। हाँ। थैंक यू सर। चलता हूँ सर। इस पर्ची को संभाल के रखना, इसे एडमिशन कार्ड ही समझना, किसी भी हाल में खोनी नहीं चाहिए। हाँ। समझ गए ना? चलता हूँ। ठीक है बेटा। अब कोई सीट नहीं है, जितने थे उतने मैंने बांट दिए। क्या भाई, हर बार मुझे ही सीट मिलती थी और आपने उसे दे दी? वो एक नंबर का डरपोक है। तुम्हारे लिए मुझे किसी को निकालना होगा, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए। काम हो गया, मेरी बेटी के लिए सीट मिल गई। काम हो गया, अब मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। मेरी बेटी अब डॉक्टर बनेगी।
मारोगे उसे? अरे चलो देखो, अरे देखो गिर गया। चलो चलो, क्या हुआ इसे? अचानक इसे ठीक है, फोन करता हूँ। बहुत टेंशन है भाई। ऐसा क्या हो गया? सब लड़ाई कर रहे हैं भाई। अच्छा है। तो अब क्या करें? जितने भी सीट्स बांटे हमने, हाँ? उस बैच में जितने भी लोग हैं, हाँ? उन सबको आने को बोलो। हे, हाँ? इसमें तू इतना खुश क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं भाई। साहब, साहब। आपने कहा था कि यह चिट्ठी दिखाकर मेरी बेटी को सीट मिलेगी, लेकिन वहाँ तो एक भी सीट खाली नहीं है साहब। मैंने तुम्हें ऐसा कहा था? साहब आपने ही तो यह चिट्ठी दी थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं साहब। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाऊँ? लेकिन आपने यह चिट्ठी तो दी थी ना। तो जा, जिसने दिलवाया उससे जाके पूछ। ए, ए, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझ पर अत्याचार मत करो। चल निकल यहाँ से। दे दो। दोबारा यहाँ दिखे तो ठीक नहीं होगा। अगर दोबारा दिखे तो जान से जाओगे। अपना घर गिरवी रखकर मैंने तुम्हें 9 लाख रुपए दिए और तुम ऐसा कर रहे हो पापी। जाओ। चलो अंदर। मैंने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई क्योंकि ये सदमा वो झेल नहीं पाते। मैं अपनी बेटी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला पाया। इतना कुछ करके भी मैं अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाया, इस बात का मुझे बहुत दुख है बेटा। काम क्या है? मेरी बहन को मेडिकल सीट चाहिए। दरअसल उसे यहाँ आने में डर लगता है, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। नाम क्या है उसका? वैष्णवी। ओरिजिनल TC, मार्कशीट और एप्लीकेशन नंबर सब है ना? सब कुछ दे दिया है। मुझसे बिना पूछे क्यों दिया? जब आप 9 लाख रुपया ले रहे थे तभी दे दिया है, पर अब तक आपने सीट नहीं दी। ए, कौन हो तुम? मैं कोई भी हूँ, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने सीट नहीं दी तो आपको तकलीफ होगी। तुम हर चीज के लिए आजकल ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। अब देखिए ना, रेशन कार्ड के लिए, बस की टिकट बुक करनी हो, RTO ऑफिस में लाइसेंस निकलवाना हो, यहाँ भागो वहाँ भागो, किस लिए? ये सब हम नहीं कर सकते, इसलिए ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। अरे आज की दुनिया में तो चिता जलाने के लिए भी ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उस कॉलेज में पैसे लेकर सीट दिलवाने वाला ब्रोकर तू ही है ना? 6 महीने पहले तूने रामैया अयंगर से 9 लाख रुपए लिए थे ना, उनकी बेटी को मेडिकल सीट दिलवाने के लिए। उनसे तेरा रिश्ता क्या है? इंसानियत का रिश्ता। रिश्ता तुम्हारा कोई भी हो उससे मुझे क्या? ये सच है, वो 9 लाख रुपए लेके आए थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने लिए और उनको सीट नंबर भी दिया, लेकिन किसी कारण से उनको निकालना पड़ा। ये सब चलता रहता है। हे, इन सब के लिए कोई आधार है क्या तेरे पास? हाँ, अब तक तो नहीं था, लेकिन अभी है। हाँ, वो पैसे लेके आए थे, मैंने पैसे लिए, उन्हें सीट नंबर दिया, लेकिन किसी कारण से उन्हें निकालना पड़ा। ये सब चलता रहता है। मुझसे आज तक किसी ने नहीं ऐसा पूछा, तू क्यों पूछ रहा है? इसका कोई आधार है क्या? है तो दे। ये है आधार। आधार, आधार है ना, ये ले, गया तेरा आधार। हे, जा, सारी दुनिया को बोल, सारी दुनिया को बोल कि मैंने आधार मिटा दिया, मैंने मिटा दिया आधार। जा, पूरी दुनिया को बोल दे, जा। आज तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तू क्या बिगाड़ेगा? हाँ, जा, अरे जाना। तुझे पैसे कैसे लेना है ये पता होगा, पर टेक्नोलॉजी नहीं पता। यहाँ के लोकल चैनल से लेकर दिल्ली के न्यूज चैनल्स तक तुझे अब तक का जवाब देना है। वैसे यहाँ जो भी हुआ है वो इस लैपटॉप में रिकॉर्ड हुआ है। सिर्फ
एक बटन के दबाने से लैपटॉप में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब टेलीकास्ट हो जाएंगी। यहाँ पर तो हर बात रिकॉर्ड की हुई है, तेरी स्पीच सबको पता चली। पुलिस तो तुझे अरेस्ट करेगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तेरी करतूत सबको पता चले। तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू मुझे बातों में फंसा रहा है। ए, सुन, इसे जाने मत दे। तू मुझे यहाँ फंसा कर नहीं जा सकता, समझ गया? तुझे मैं जाने नहीं दूंगा, देख लूंगा तुझे मैं। डैडी, डैडी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाप रे, डैडी ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पांडे ये क्या कह रहा है? हाँ ये मेरे डैडी है, मैं सच कह रहा हूँ। एक भोले आदमी के रूप में इन्होंने वापस पुनर्जन्म लिया है। पुनर्जन्म? सच कह रहा हूँ। तेरे बाप को मरे कितने दिन हुए? 4 साल हो गए। अरे 4 साल में तेरा डैडी ऐसा दिखेगा का? इस तरह इतना बड़ा दिखेगा का कि एक बच्चे के रूप में जन्म लिया होगा उन्हें कड़ा कहीं का, जिसका कैसे पाला पड़ा है। अरे पांडे ये तुझे बेवकूफ बना रहा है और तू इसके जाल में फंस गया। तूने मेरे बाप का नाम लेकर मुझे उल्लू बनाया। ए, वेट, 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 वेट। इन सब का मैं इंतजाम करके आया हूँ, आओ भाई। अरे आ जाओ यार। क्या तमाशा? अब मैं रेडी हूँ, आ जाओ। मारो इसे। मारो। मारो इसे। अरे बाप रे क्या करूं? हे भगवान। भगवान बचो। अरे बाप रे, पकड़ो उसे, मरो इसके नीचे। निकल जाता हूँ। अरे बाप रे, आप भाग क्यों रहे हो? वासु, अगर वो मारेंगे तो दर्द मुझे होगा, तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि अब मेरी आत्मा में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे काम आएगी। इसलिए तुम अकेले ही उनसे लड़ो, क्योंकि हम लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ चाहे जितने लोग भी लड़ाई करें, सब पर तुम्हारी विजय होगी। तुम इतने ताकतवर हो, जाओ लड़ो। क्या बे, किससे बात कर रहा है? अकेले अकेले चिल्ला रहा है? दौड़ डाली से। Yeah.
मैं वासु बोल रहा हूँ। पहचाना मुझे? वैष्णवी के मेडिकल सीट के लिए 5 साल के कॉलेज फीस की जरूरत है। अगर एक हफ्ते में पैसा नहीं मिला ना, तो समझ ले तेरी सारी बातें सीएम तक पहुंच जाएंगी। उसके बाद सीएम तुझे नहीं छोड़ेगा। ये क्या हुआ भाई? ये क्या कर दिया? जरा सा भी समय तूने बर्बाद किया तो समझ ले तू तो पूरा काम से गया। ए पांडे सुन, तू कुछ भी करके 1 घंटे के अंदर उसे यहाँ पर लेके आ। यहाँ ला। उसे यहाँ लाने कोई बड़ी बात नहीं है, पर वहाँ पर विजय फंसा हुआ है। तो फिर हमें तो फिर क्या? वो जैसा बोल रहा वैसा कर दो ना। नहीं पांडे। नहीं, नहीं। भाई पहले हमारी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, हमारे आदमियों की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। जरा सोच के तो देखो। क्या सोचूं? उसकी तो तुम्हारे पापा के आशीर्वाद से तुम्हें ये सीट मिली है बेटी, नहीं तो इतनी जल्दी सीट वो भी इस हालत में बहुत मुश्किल था। अपने पापा को दिल से याद करो, तेरे पापा आज भी हमारे साथ है। मैं चलती हूँ माँ। बाय। तुम्हारे सारे काले कारनामों की फाइल सीएम तक पहुंच चुकी है। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। भाई, अब तुम अंदर ही सड़ोगे क्या? देखता हूँ कौन सड़ाता है मुझे। चलो। धन्यवाद वासु। आप तो आत्मा हो, तो मंदिर में कैसे आ गए? हाँ, मेरा दाह संस्कार मंदिर के बगल में ही हुआ है, इसीलिए मेरी आत्मा मंदिर में आ जाती है। भगवान के लिए मरे हुए आदमी और जिंदा आदमी एक जैसे ही होते हैं। एक बात बताऊं, शांति तुम्हें बहुत याद करती है। ये क्या बोल रहे हो? बहन की इच्छा पूरी करने वाला एक भाई, दोस्तों की इच्छा पूरी करने वाला एक अच्छा दोस्त, प्रेमिका की इच्छा पूरी करने वाला एक अच्छा प्रेमी, अपने माँ बाप की इच्छा करने वाला अच्छा बेटा तो मैंने हर बार देखा, लेकिन पहली बार आत्मा की इच्छा पूरी करने वाला आदमी तुम्हारे रूप में देख रहा हूँ। मेरी एक बात मानो, हम आत्माओं के चक्कर में तुमने शांति को नाराज कर दिया है। तुम शांति को सच्चाई बताकर किसी भी तरह उसको मना लो तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगा। अब उसे सच बताऊंगा तो क्या वो मान जाएगी? लगता नहीं शांति मानेगी। जब तक तुम दोनों एक नहीं होगे, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। मैं भगवान से इसके लिए प्रार्थना करूंगा बेटा। मेरा विश्वास है कि तुम्हारा प्यार सफल होगा। मैं चलता हूँ वासु। तुम्हें ये सब कोई फिल्म की स्टोरी लग रही है क्या? मैंने तुमसे कहा कि भूत आए हैं, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे, और तुमने मना कर दिया। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने जिनकी मदद की वो सब यही हैं। सच में मेरे पास प्रूफ है इस बात का। देखो वासु, मुझे किसी भी भूत प्रेत आत्मा शैतान इन सब में विश्वास बिल्कुल नहीं है। मुझे भी तो नहीं है, पर उनको मुझ पर यकीन है। पर ये सिर्फ तुम्हें ही नजर क्यों आते हैं? उसकी एक वजह है। इस जहां में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर हम यकीन नहीं करते। कहीं दूर अफ्रीका में कोई हिंदी बात करता है, तो यहाँ पर कोई चीनी आदमी चाइनीज बात करता है। अगर वो अचानक तुम्हारे सामने आए तो बताओ तुम क्या करोगी? तुम सोचोगी ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए इन सारी बातों का अब तक भी कोई पता नहीं लगा पाया है। यकीन ना करने के लिए साइंटिफिक प्रूफ की भी जरूरत नहीं, और इन सब बातों पर आजकल कोई भरोसा भी नहीं करता। तुम्हारे पिताजी कभी कभी पक्षियों से बातें करते थे पता चला, उनकी फीलिंग्स के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा होगा। अपने पिताजी को नहीं समझ पाई और मुझे भी नहीं समझ पाई।
अगर अब कुछ हुआ तो तुमसे प्यार से ज्यादा डरने लगूंगी मैं। कस्टमर्स को ब्रोशर के साथ उसकी डिटेल्स भी बताओ, हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करो, कोई भी डाउट हो तो मुझे आवाज देना, समझ गई ना? शांति सुनो जरा, वासु ने ये पैसे वापस लौटा दिए, उसने किसी से पैसे नहीं लिए हैं, वो कल दुबई जाने वाला है और फिर वो वापस लौट कर नहीं आएगा इंडिया। कोई कुछ भी करे मुझे इससे क्या, बस वहाँ जाके ठीक से रहे, पागलों जैसा बर्ताव ना करे। शांति, हाँ? क्या हुआ इसे? हम लोग सिर्फ वासु को नजर आते हैं, किसी और को नजर नहीं आते ना। ओ। तो अब इसे शादी के लिए कैसे समझाएं? उसके लिए एक आइडिया है। शांति हमें देखकर डरो मत। कौन हो तुम लोग? हम सब वासु के दोस्त हैं। वासु ने बताया था कि तुम लोग आत्मा हैं। शांति बस हमारी बात सुनो। Ah!
तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी, याद रखना। कोई है? अरे पापी कमीने, मैं तुझे सजा दिलवा कर रहूंगी, देख लेना। मैंने अपना घर जमीन सब रखकर तुमको 9 लाख रुपए दिए, तुम ऐसा अन्याय मत करो। ये सब आपकी वजह से हुआ, क्यों किया ये? जब मैंने बताया तब उन्हें पता चला कि आखिर बात क्या है। मरते समय सबको भगवान याद आते हैं, पर हमारे लिए तो वासु ही हमारा भगवान है। उसके बाद वासु हमसे बातें करता था, पर तुमने गलत समझ लिया। तुम्हें पता है बेटी, उसने हम सबों के कौन कौन से काम बनाए हैं? शांति, वासु कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? वासु ने जो भी बताया था वो सब सच है, मैंने भी उन आत्माओं को देखा। लगता है ये भी पागल हो गई है। वासु तो एयरपोर्ट चला गया। जल्दी जाना, तो फ्लाइट पकड़ी है। कुछ नहीं, बस दुबई जाने
जाने वाली फ्लाइट A659 टर्मिनल 1A से उड़ान भरने के लिए तैयार है। यात्रियों से निवेदन है कि वो गेट नंबर 4 की ओर जाएं। धन्यवाद। अटेंशन प्लीज, दिस इज द फाइनल कॉल फॉर फ्लाइट नंबर IX611। वी रिक्वेस्ट द पैसेंजर्स टू प्रोसीड टू गेट नंबर 4। थैंक यू। आप आगे नहीं जा सकते। वासु! वासु! आओ, ए, ए, क्यों? अरे क्यों मार रही हो? सुनो, अरे I'm sorry, Baba. तुम मुझे छोड़ के जा रहे थे ना? आज के बाद तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। I promise. आप सब लोग, अब हम लोग बहुत ही खुश हैं वासु। हम सब के मन में कोई ना कोई इच्छा रह गई थी, जिसे अब तुमने पूरी कर दी है वासु। बस एक छोटी सी और इच्छा रह गई है मन में कि तुम और शांति एक दूसरे के हो जाओ। वासु, मेरे पति तो समझ नहीं सके, पर शांति तुम्हें बहुत अच्छे से समझती है। तुमने हम सबों को जन्नत में पहुंचा दिया, अब तुम दुखी रहो हमें कैसे मंजूर होगा। भैया, शांति आंटी को आइसक्रीम खिला देना, ठीक है ना? तुम उन्हें देख सकती हो क्या? देख तो नहीं सकती, पर महसूस जरूर कर सकती हूँ। वो चले गए। अब मैंने कभी अकेले बात की तो तुम गलत तो नहीं समझोगी ना मुझे? नहीं नहीं, कभी नहीं। लेकिन अगर शादी के बाद मैं ऐसा करूं तो क्या करूं? तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा।